कुछ ऐसे नेता भारत में थे जिन्होंने भारत की बड़ी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए। न उनको भारत में, न भारतीयों में, न भारतीयता में कभी विश्वास था, और इसीलिए वो ऐसा दुष्प्रचार करके ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लगा वैक्सीन लगवाऊं कि न लगवाऊं, वैक्सीन लगा के मर तो नहीं जाऊंगा। ये तो भला हो इस देश के लोगों का जिनको विश्वास नरेंद्र मोदी जी में था, पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी, दो वैक्सीन भी बनी और 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी हुआ। मन की बात का माध्यम हो, चैनल्स के माध्यम से मोदी जी ने अपनी बात देश के सामने रखी और लोगों ने विश्वास किया। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी 100 वर्षों में चुनौती हमारे सामने कोविड थी, लेकिन कोविड के समय भी फेक न्यूज एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हम उसमें से निकलकर भी आए हैं। अब क्या है प्रिया जी, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और ये जितने बंधु मेरे सामने 12 कैमरा लगा के खड़े हैं, मैं इनके जीवन को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। बीसीसीआई के समय भी, उस समय मैं राजनीति में नहीं था, तो इतने कैमरा वाले होते थे, उनको लगता था मैं ब्रेकिंग न्यूज कहां से दे दूं। और धूप में खड़े, पसीना बहा रहे, बारिश में खड़े, इनकी जीवन बहुत मुश्किल है जी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की। उनको लगता है कहीं मैं 2 मिनट के, अब मैं 20 सेकंड लेट हो गए तो ब्रेकिंग न्यूज कोई और कर देगा, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज करते करते कई बार फेक न्यूज ही चल पड़ती है और वो बहुत भारी पड़ती है। कई एक्सक्लूसिव खबर चलाने के चक्कर में सच है या नहीं वो कभी जानते भी नहीं है, लेकिन चला देते हैं। और उनको देखो देखो कई चैनल चलाते हैं, ऐसा नहीं कि अकेला चलाता है, दूसरों को लगता है इसने चलाया ठीक ही होगा, ये भी अपने आप में जिम्मेदारी है। तो पत्रकारिता के काम के जिम्मेदारी कौन लेगा? अब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में तो चलिए एडिटर कुछ हद तक लेते हैं, काफी हद तक उनकी जिम्मेदारी है। अब ये नया डिजिटल मीडिया आ गया, इसमें कौन जिम्मेदार? इसमें तो हर कोई ही अपनी मर्जी का मालिक है। अब एक और से तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बात कहकर दुनिया तक पहुंचा सकते हो, अखबार तो फिर एक सीमित क्षेत्रफल तक जाएगा, लेकिन डिजिटल मीडिया में तो 7 समुद्र पार तक भी आपकी खबर विद इन फ्यू सेकेंड्स पहुंच जाएगी, विद अ क्लिक ऑफ बटन पहुंच जाएगी। तब आप क्या करोगे? मुझे लगता है एक नई चुनौती हम सबके सामने आ रही है। इन चुनौतियों को झेलना, इनसे निकलना हम सबकी जिम्मेदारी है। और कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ पत्रकार प्रवोक करके न्यूज बनाते हैं, जबकि जो घट रहा है हमें उसको पहुंचाना है। कई बार कुछ लोगों का काम तो ऐसा हो गया है, देखने में आता है जो आग लगाने का काम है, इसके भड़काने का काम भी कई बार दिखता है। हमें समझना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और हम अगर इसको ठीक समझ पाएंगे तो जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है। उससे ना लोगों का नुकसान होगा, ना देश का होगा, और ना ही आपके चैनल का, अखबार का हो पाएगा। आज बहुत सारे लोगों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है जिनका बहुत बड़ा योगदान प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया में भी है, और मैं उन सभी महानुभाव को अपनी ओर से, मंच पर उपस्थित सभी की ओर से और सबकी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि नाम भी बड़े हैं, शारदा लहंगीर जी, सुधीर कुमार राव जी। मुझे पहले नाम लेने कि नहीं लेने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ छिपा के तो नहीं रखा है कुछ की बोलने बाद में, कि बाद में अनाउंस होगा? ऑलरेडी अनाउंस है ना, पूछ लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बाद में धर्मेंद्र जी के हाथ में कोई लिफाफा आएगा, फिर एक पर्ची निकलेगी, फिर आचार्य जी पढ़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो शारदा लहंगीर जी, सुदीप कुमार राव जी, मनोरंजन जोशी जी, भवानी शंकर त्रिपाठी जी, सौम्यजीत पटनायक जी और दुर्गाशीष जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।